Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेल स्टूडेंट्स दिस इज माई सेवेंटींथ लेक्चर माई नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ ला बी एच यू सो टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सेसन ट्रायल ये मेरा सेवनटींथ लेक्चर है लॉफ क्राइम का जो सत्र न्यायालय द्वारा बेचाण की प्रक्रिया के विषय में बात करेंगे इस लेक्चर के अंतर्गत हम देखेंगे कि आपराधिक विधि के अंतर्गत जो सत्र न्यायालय है सत्र न्यायालय किन प्रक्रियाओं के पालन करने के लिए या सत्र न्यायालय के समक्ष वे कौन से आपराधिक मामले होते हैं जिसमें वो सत्र न्यायालय ट्रायल करता है और ट्रायल की प्रक्रिया क्या है तो पहले हम स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे आप देखें स्क्रीन पर आप देखें कि मैंने ट्रायल को विचारण को यह चार कैटेगरी में बांटा है पहला है सत्र न्यायालय द्वारा विचारण की प्रक्रिया सेकंड को मैंने कहा है वारंट ट्रायल थर्ड कैटेगरी को मैंने लिखा है समन ट्रायल और फोर्थ जो कैटेगरी है वह है संक्षिप्त विचारण इसको समरी ट्रायल तो किसी भी आपराधिक मामले का चार प्रकार से ट्रायल हो सकता है जो मैं स्क्रीन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया हूँ ट्रायल सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया वारंट, मामलों में, वारंट मामलों में ट्रायल की प्रक्रिया क्या होगी ये वारंट ट्रायल मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है संबंध मामलों में ट्रायल की प्रक्रिया क्या होगी यह सेक्शन 251 से लेकर के 259 तक मैंने संक्षिप्त मामले कैसे संक्षिप्त ट्रायल होगा आपराधिक मामलों में वे कौन से आपराधिक मामले होंगे जिसमें संक्षिप्त ट्रायल होगा इसको मैंने इस प्रकार से चार प्रकार के ट्रायल मैंने आपके सुविधा के लिए ये चार भागों में इसको डिवाइड किया है पहला देखते हैं कि सेशन ट्रायल कहाँ से कहाँ तक है तो आप देखें कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 225 से लेकर के 237 तक के जो प्रावधान हैं वे सेशन ट्रायल की बात करते हैं वारंट मामलों में जो ट्रायल की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारण की प्रक्रिया की बात होगी तो वह सेक्शन 238 से लेकर के 250 तक की बात होगी यदि संबंध मामलों में ट्रायल की प्रक्रिया क्या होगी तो आप देखें मैंने उसके नीचे लिखा ब्रैकेट में टू फिफ्टी यदि इसी ग्राफ को ये जो मैंने डायग्राम बनाया इस डायग्राम को इस चार्ट को भी यदि आप याद रखें तो पी सी एस या ए पी ओ की कोई भी प्रारंभिक परीक्षा होगी किसी भी स्टेट का होगा निश्चित रूप से इसमें से ही ये क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा प्री में आता है केवल इस चार्ट में देख लें कि सेशन ट्रायल 225 से लेकर 237 तक वारंट मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों में विचारण की प्रक्रिया 238 से लेकर के 250 तक और समन मामलों में ट्रायल की प्रक्रिया क्या होगी 251 से लेकर के 259 तक और वे आपराधिक मामले जिसमें न्यायालय के द्वारा संक्षिप्त विचार किया जाएगा समृद्ध ट्रायल किया जाएगा ये प्रावधान सीआरपीसी के सेक्शन 260 से लेकर के 265 तक में दिया हुआ है अब देखते हैं कि ये जो डिफरेंट ट्रायल हैं चार प्रकार के जो ट्रायल प्रोसीजर दिए गए हैं आपराधिक विधि के अंतर्गत इसमें ट्रायल का प्रोसीजर क्या है और ट्रायल मैंने आपको बताया कि यद्यप की ट्रायल की परिभाषा सीआरपीसी में नहीं दी गई है कि विचारण क्या होगा परंतु ट्रायल के प्रकार के विषय में बताया गया है कि सेशन ट्रायल वारंट ट्रायल समन ट्रायल और समरी ट्रायल क्या है तो ट्रायल से तात्पर्य आपराधिक मामलों में आपराधिक न्यायालय के समक्ष संज्ञान लिए जाने के पश्चात विचारण संज्ञान लिए जाने के पश्चात अभियुक्त के दोषी अथवा निर्दोष होने के विषय में लिया गया निष्कर्ष ट्रायल कहलाता बिचाण कहलाता है अब ये सेशन सत्र न्यायालय के समक्ष पहले हम देखेंगे कि सेशन कोर्ट क्या है और वारंट मामले क्या हैं सेशन कोर्ट मैंने जैसा कि आपको पहले भी व्याख्यान में बताया है इसके ठीक पहले भी जो मैंने लेक्चर दिया उसमें बताया है कि सेशन कोर्ट जिले स्तर पर सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय माना जाता है जिले स्तर का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय सत्र न्यायालय होता है और सत्र न्यायालय के समक्ष जितने भी मामले ट्रायल के लिए आते हैं वे आवश्यक रूप से वारंट ट्रायल होते हैं तो प्रश्न होता है कि मैंने वारंट ट्रायल और सेशन ट्रायल को दोनों को अलग अलग इसलिए लिखा है कि जिससे कि यह सुविधा हो आसानी हो छात्रों को कि जब हम सेशन ट्रायल की बात करेंगे तो केवल एक पर्टिकुलर कोर्ट की बात कर रहे हैं और जब हम वारंट ट्रायल की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जितने भी आपराधिक मामलों का ट्रायल होता है उस वारंट वो वारंट ट्रायल के अंतर्गत कवर होगा मजिस्ट्रेट से तात्पर्य यहाँ पे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग से लेकर के सी तक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक के कोर्ट को है जुडिशियल मजिस्ट्रेट किस आपराधिक मामले में ट्रायल करेगा और जे एम्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट से लेकर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक के जो ट्रायल होंगे वे सब वारंट ट्रायल के अंतर्गत आएंगे जैसा कि आप सभी जानते होंगे इस, इस स्क्रीन पर आप देखें मैंने सत्र न्यायालय के समक्ष जो बिचारण की प्रक्रिया है उसको मैंने इस चार्ट के माध्यम से डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि टू सेक्शन टू एक्स में वारंट केस को डिफाइन किया गया है और सेक्शन टू सेक्शन टू में समन केस है वारंट मामले कौन होंगे सेक्शन टू एक्स के अनुसार वारंट मामलों से तात्पर्य उन मामलों से है लिखिए जो वे अपराध जो दस वर्ष या मृत्युदंड या जीवन कारावास से दंडनीय हैं वे वारंट मामले कहे जाते हैं अर्थात वे सभी अपराध धारा टू धारा टू एक्स के अनुसार वे सभी अपराध जो भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य दंड विधि के अधीन मृत्युदंड या जीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हैं वारंट मामले कहलाते हैं अब वारंट मामले मैंने आपको बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा तिरपन फिफ्टी के अंतर्गत मैंने उसी ठीक नीचे लिखा हुआ है कि सेक्शन 53 थ्री में पांच प्रकार के दंड दिए गए हैं सेक्शन 53 में आई में जो पांच प्रकार के दंड दिए गए हैं उसमें सबसे पहला है मृत्यु दंड दूसरा है आजीवन कारावास तीसरा है कारावास जो कठोर या सत्म हो सकता है चौथा है संपर्ण पाँचवा है फाइन जुर्माना ये आई के अंतर्गत पाँच प्रकार के पनिशमेंट दिए गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी आई के अंतर्गत पाँच प्रकार के पनिशमेंट को जानते होंगे तो ये उसी सेक्शन फिफ्टी थ्री को लेते हुए अब यहाँ पर देखेंगे कि वे सभी अपराध जो मृत्युदंड आजीवन कारावास या दस या दो वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हैं वे सभी वारंट मामले कहलाते हैं परंतु सत्र न्यायालय के समक्ष जो मामले ट्रायल के लिए आते हैं वे आवश्यक रूप से दस वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय मामले होते हैं इसलिए सत्र न्यायालय के समक्ष ट्रायल किए जाने वाले सभी मामले वारंट मामले तो होते हैं लेकिन वे मृत्युदंड आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय मामले सत्र न्यायालय के द्वारा ट्रायल किए जाते हैं विचारण किए जाते हैं जैसा कि मैंने इसके पहले भी आपको व्याख्यान में बताया था कि दस वर्ष से कम के जो कारावास के अपराध हैं उनका ट्रायल सहायक सत्र न्यायालय के द्वारा किया जाता है सहायक सत्र न्यायालय या अपर सत्र न्यायालय वह अधिकतम सात अधिकतम जो है दस वर्ष तक के कारावास देने के अधिकारता सहायक सत्र न्यायालय रखता है ये मैंने बहुत पहले ही पहले ही व्याख्यान में बताया था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग तीन वर्ष तक के कारावास देने के अधिकारता रखता है तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध सी के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं सात वर्ष से अधिक और दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध वह सहायक सत्य न्यायालय के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और 10 वर्ष से अधिक के कारावास और मृत्युदंड तक आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक के मामले वे सत्र न्यायालय जिला सत्र न्यायालय के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं तो ये बात हो गई कि सत्र न्यायालय जिले स्तर का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय है और वह अपीली न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है और आरंभिक अधिकारता वाले न्यायालय के रूप में भी सत्र न्यायालय कार्य करता है तो सत्र न्यायालय के समक्ष जो भी विचारित किए जाने वाले जो भी अपराध आते हैं वे आवश्यक रूप से 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के मामले में सत्र न्यायालय ट्रायल करता है प्रारंभ करता है तो ये बात हो गई कि सत्र न्यायालय के समक्ष केवल और केवल वही अपराध आएंगे ट्रायल के लिए जिसमें दस वर्ष से अधिक के कारावास के मामले होते हैं नियमता अब देखते हैं कि सत्र न्यायालय के समक्ष जो विचारण की प्रक्रिया है कैसे आरंभ होती है और कैसे प्रारंभ होता है तो इसको देखें इस स्क्रीन स्लाइड के माध्यम से कि सत्र न्यायालय के समक्ष जो ट्रायल स्टार्ट होगा सबसे पहला सेक्शन 225 के अंतर्गत लोक अभियोजक के द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी जो प्रारंभिक धारा है सेक्शन 225 ट्वेंटी जहाँ से, से सेशन ट्रायल स्टार्ट होता है उसमें ही लिखा गया है कि लोक अभियोजक के द्वारा कार्रवाई आरंभ होगी सेक्शन 227 में उन्मोचन है और यहीं पर विधिक सहायता और निःशुल्क विधिक सहायता दोनों को सत्य न्यायालय के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है अब इसको एक एक करके व्याख्या करते हैं कि सत्र न्यायालय के समक्ष प्रत्येक कार्रवाई का आरंभ लोक अभियोजक के द्वारा प्रारंभ किया जाता है तो लोक अभियोजक जैसा कि मैंने बताया सर राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया वह अधिकारी है जो सत्र न्यायालय के समक्ष आपराधिक मामले को आरंभ करता है प्रारंभ करता है तो धारा 24 और 25 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सहायक लोक अभियोजक के नियुक्ति उनके अपॉइंटमेंट के विषय में बात की गई है सीआरपीसी की धारा में लोक अभियोजक को और 25 के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति के, के विषय में बात की गई कि लोक अभियोजक राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया एक ऐसा अधिकारी है जो सरकार की तरफ से अभियोजन के मामले को प्रारंभ सत्र न्यायालय के समक्ष प्रारंभ करता है तो जैसा कि मैंने बताया सत्र न्यायालय के समक्ष प्रत्येक आपराधिक मामले का विचारण लोक अभियोजक के द्वारा आरंभ किया जाएगा सेक्शन 225 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये पावर दिया गया है 225 में लोक अभियोजक को कार्रवाई आरंभ क्यों करने की लिबर्टी दी गई है समिति के अंतर्गत उसका केवल और केवल कारण यह है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति पर आरोप लगाता है साबित करने का भार बर्डेना प्रूफ उसी पर होता है उसको ही साबित करना होता है कि जो आरोप है वह सही है उदाहरण के तौर पर यदि मैं यह कहता हूँ कि अमुक मिस्टर एक्स चोर हैं तो साबित करने का भार मेरे ऊपर होगा कि मिस्टर ने चोरी की है इसलिए आपराधिक मामलों में चूंकि राज्य के विरुद्ध अपराध होता है इसलिए साबित करने का भार राज्य पर होता है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा किसी तारीख और समय पर अपराध किया गया है इसलिए लोक अभियोजन प्रत्येक आपराधिक मामलों में यह साबित करने का भार बड़े ना प्रूफ जो है वह हमेशा सदैव अभियोजन पर लाई करता है प्रत्येक आपराधिक मामले की शुरुआत अभियोजन के द्वारा ही प्रारंभ की जाती है उसका मैंने कारण भी बता दिया कि वह बर्डन ऑफ प्रूफ की वजह से सबूत का भार भारतीय शाचन अधिनियम की धारा 101 के अंतर्गत यह अभियोजन पर है कि अभियोजन ही चूंकि आरोप लगाता है अभियुक्त के विरुद्ध इसलिए साबित करने का भार भी अभियोजन पर होता है अब मैं दंड प्रक्रिया संहिता की बात कर रहा हूं तो भारतीय शासन अधिनियम अठारह की धारा 101 की बात यहां पर कहां से आ गई तो छात्रों को यह जानना जरूरी है कि लॉ के कोई भी पेपर एक दूसरे से अलग नहीं है उनको अलग करके नहीं देखा जा सकता इसलिए जब हम सीआरपीसी की बात करते हैं अभियोजन आपराधिक मामले की प्रारंभ कार्रवाई करता है तो इसका मतलब है कि हमको भारतीय शासन अधिनियम के वो प्रावधान देखने होंगे कि जहाँ पे अभियोजन अपनी शक्ति को ग्रहण करता है उस कानून के अंतर्गत तो लोक अभियोजक भारतीय शासन अधिनियम की धारा एक एक के अंतर्गत साबित करने का भार उसी पर होगा उसी प्रावधान के तहत लोक अभियोजक को यह पावर मिली हुई है और यह ड्यूटी भी लीगल ड्यूटी भी उसी के ऊपर कानून अधिरोपित करता है इम्पोज करता है कि चूंकि सीट न्यायालय के समक्ष आई है और चार सीट भी राज्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा राज्य की एजेंसी उसको ला रही है इन्वेस्टिगेट कर रही है इसलिए न्यायालय के समक्ष साबित करने का भार अभियोजन पर ही होता है तो ये बात हो गई सेक्शन 225 के अंतर्गत कि प्रा आरम्भ न्यायालय के समक्ष आपराधिक कार्रवाई का आरंभ लोक अभियोजक के द्वारा किया जाएगा और यह आरंभ करने का कहां से पावर मिलता है भारतीय साक्षर नियम की धारा 101 को मैंने बताया अब इस आरंभ करने के अंतर्गत क्या मात्र केवल और केवल लोक अभियोजक सत्य न्यायालय के समक्ष कार्रवाई को आरंभ करता है और यह उस साक्ष समस्त जो प्रासंगिक साक्ष्य हैं सत्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है अब सत्य न्यायालय लोक अभियोजक के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर और अभियुक्त के साक्ष्य को देखने अभियुक्त के तरफ से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया सत्य न्यायालय को प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को उन्मोचन कर देगा धारा दो के अंतर्गत अभियुक्त का उन्मोचन करने का पावर सत्य न्यायालय को दिया गया है कि साक्ष्य अभियोजन के साक्ष्य को और अभियुक्त के साक्ष्य को देखने के पश्चात सत्य न्यायालय प्रथम दृष्टिया यह पाता है कि सा अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप आरोप पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को उन्मोचित कर देता है डिस्चार्ज कर देता है जो डिस्चार्ज है डिस्चार्ज फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी यह एक्विटल नहीं है अभियुक्त की दोषमुक्ति नहीं है उसी अभियुक्त को पुनः उसी मामले में उसी आधार पर उसका ट्रायल किया जा सकता है तो यह है डिस्चार्ज का मतलब यहाँ पे है कि सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट फॉर द टाइम बिंग उसके दंडादेश का निलंबन कुछ समय के लिए कर दिया जाता है सत्य न्यायालय के द्वारा यदि उस अभियुक्त के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष उसी मामले में न्यायालय के समक्ष आ जाए तो सत्य न्यायालय उसी व्यक्ति को उसी अपराध में उस अतिरिक्त साक्ष के आधार पर सिद्ध कर सकता है और ऐसा व्यक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल बीस दो का लाभ नहीं ले सकता भारतीय संविधान के आर्टिकल बीस दो में प्रावधान किया गया है कि, कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है यदि उन्मोचित जिस व्यक्ति अभियुक्त को किया जाता है उन्मोचन के पश्चात अभियुक्त को अगर उसी अपराध में पुनः उसका ट्रायल होता है और दो सिद्ध कर दिया जाता है कम्यूट कर दिया जाता है तो ऐसा उन्मोचित व्यक्ति संविधान के आर्टिकल बीस दो का लाभ लेने का हकदार नहीं है वो ये नहीं कह सकता कि उस अभियुक्त को उसी अपराध के लिए पहले दोषमुक्त किया जा चुका है और उसी अपराध में पुनः उसकी दोषिद्धि नहीं की जा सकती इससे संविधान के आर्टिकल बीस दो में प्रदत्त अधिकार का उल्लंघन है जो दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जी पार्टी की बात करता है यह उसके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का वायलेशन है ऐसा व्यक्ति दावा नहीं कर सकता क्योंकि उन मोशन जो है वह डिस्चार्ज दैट इज नॉट एक्विटल वह दोष मुक्ति नहीं है डिस्चार्ज का तात्पर्य केवल और केवल यहाँ पे अपराध अपराध किसी आपराधिक मामलों में दंडादेश का कुछ समय के लिए निलंबन है तो ऐसी स्थिति में ध्यान देने की बात यह है कि जब कभी भी किसी आपराधिक मामले में किसी न्यायालय के द्वारा यदि किसी अभियुक्त को डिस्चार्ज किया जाता है उन्मोचन किया जाता है तो उसका एक कदापि अर्थ नहीं है कि अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया है दोषमुक्त किया गया व्यक्ति संविधान के आर्टिकल बीस दो का लाभ ले सकता है लेकिन उन्मोचित अभियुक्त संविधान के आर्टिकल बीस दो का लाभ नहीं ले सकता है ये छात्रों को ध्यान देना है और मैं ये बताने का बार बार मैं अपने प्राय लेक्चर में बताने का प्रयास करता हूँ कि डिस्चार्ज किया हुआ उन्मोचित किया हुआ व्यक्ति संविधान के आर्टिकल बीस दो का लाभ लेने का हकदार नहीं है तो अब यह हो गया कि डिस्चार्ज सत्य न्यायालय के द्वारा जब कार्रवाई आरम्भ की गई तो अभियुक्त को या तो डिस्चार्ज करता है अब यदि डिस्चार्ज नहीं करता है और सत्य न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि जो साक्ष सत्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं अभियोजन के द्वारा उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो ऐसी स्थिति में जो आगे की कार्रवाई होगी सत्र न्यायालय के समक्ष उसको स्क्रीन पर देखें वह सत्र न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करना जहाँ साक्ष्य पर्याप्त हो मैंने इस आरोप तय किए जाने का एक अलग चैप्टर बनाया जिससे यह बताने का प्रयास किया कि सत्र न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करना कब जब साक्ष्य पर्याप्त हो जब डिस्चार्ज नहीं किया करेगा सत्र न्यायालय किसी अभियुक्त को तो निश्चित रूप से उस उस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करने के लिए सत्र न्यायालय अग्रसर होगा सत्य न्यायालय के द्वारा किसी आपराधिक मामले में आरोप तय किए जाने का केवल और केवल एक ही अर्थ है कि सत्य न्यायालय की राय में वह अभियुक्त कोई अपराध किया है उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं तो धारा दो के अंतर्गत आरोप तय करने के लिए वह अग्रसर होगा अब आरोप तय करते समय अभियुक्त को आरोप के विषय में समझाया जाएगा सत्य न्यायालय का यह विधिक कर्तव्य है कि वह जिस किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करता है उसे आरोप पढ़कर सुनाएगा और समझाएगा कि जो कुछ भी अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है सत्य न्यायालय के समक्ष उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने किसी तारीख और समय पर अपराध किया है क्या वह अपना दोषी होना स्वीकार करता है यदि अभियुक्त दोषी होना स्वीकार करता है तो उसके आधार पर देखिए आगे देखें कि दोषी अभिभाग पर दोषिद्धि ये प्रावधान किया गया कि जहाँ पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को समझा दिया गया सत्य न्यायालय के द्वारा और आरोप अभियुक्त ने समझ लिया है और स्वयं आरोप स्वीकार कर ले तो आरोप की स्वीकारोक्ति पर अभियुक्त को सिद्ध कर दिया जाए और न्यायालय का जो महत्वपूर्ण समय है उस पर आगे की कार्रवाई न किया जाए जब स्वयं अभियुक्त अपना अपराध सत्र न्यायालय के समक्ष स्वीकार कर ले स्वेच्छा स्वीकार कर ले किसी प्रकार का कोई भय दबाव नहीं है तो न्यायालय भी यह कहता है कि न्यायालय के जो महत्वपूर्ण समय को अनावश्यक उस पर क्यों बर्बाद किया जाए जब अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है आपको ये ब, बता दें प्रायः आपराधिक मामलों में किंचित मात्र ऐसा कोई अपराध होगा जो सत्र न्यायालय के समक्ष कोई अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करता हो क्यों आप इसको व्यवहारिकता में देखें कि सौ में निन्यानवे नाइन्टी नाइन परसेंट जो मामले होंगे सत्य न्यायालय के समक्ष वो हत्या से संबंधित मर्डर के मामले आते हैं क्योंकि सत्य न्यायालय के समक्ष जो भी अपराध होते हैं वो बड़े अपराध होते हैं उनका वो ट्रायल करता है तो जिसमें दस वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान होगा वही वही मामले सत्य न्यायालय के समक्ष आएंगे तो नाइन्टी मामलों में जो सत्य न्यायालय के समक्ष ट्रायल के लिए आते हैं उसमें अभियुक्त कभी भी अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता है और वह अपना बचाव होने का दावा निर्दोष होने का दावा करता है क्लेम करता है और फुल ट्रायल की मांग करता है पूर्ण विचारण की मांग करता है तो नाइन्टी परसेंट यह सत्य न्यायालय के समझ जितने भी विचारण किए जाने वाले मामले होते हैं उसमें कभी भी अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता है परंतु यह प्रक्रिया जानबूझ करके विधायिका के द्वारा 1973 में सीआरपीसी सी के अंतर्गत रखी गई और किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार के प्रावधान रखे गए हैं कि जब अभियुक्त स्वयं अपने दोष को स्वीकार कर ले सत्य न्यायालय के समक्ष तो ऐसी स्थिति में उसके दोष उसके गिल्टी जब वह अपलीट कर लेता है तो उसके आधार पर उसको दोषित कर दिया जाए तो मैंने जैसा कि बताया कि व्यवहारिक रूप में केवल एक, एक परसेंट मात्र ऐसे मामले होते हैं जहां पर सत्य न्यायालय के समक्ष कोई अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार कर ले। लेकिन वह एक परसेंट होते हैं ऐसा नहीं कि होता ही नहीं या हंड्रेड परसेंट यह कोई हंड्रेड परसेंट मामलों में कोई अभियुक्त अपने अपराध को सत्य न्यायालय के समक्ष स्वीकार नहीं करता है इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊँ कि सत्य न्यायालय के समक्ष जो ट्रायल के मामले हैं उसमें सबसे ज्वलंत मामला है इंदिरा गांधी एसोसिनेशन केस इंदिरा गांधी हत्याकांड और जनरल वैद्य हत्याकांड जब थल सेना अध्यक्ष जनरल बैद की हत्या कर दी गई तो उस मामले में जो सुखदेव सिंह था सुखदेव सिंह वैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला है अभी आगे उसको चर्चा करेंगे उसके फैक्ट की यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि जो सुखदेव सिंह जो सरद सिख बंधु थे उन लोगों ने थल सेना अध्यक्ष की उस समय मृत्युकारित कर दी जब वह मॉर्निंग वॉक सुबह टहल रहे थे थल सेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष की हत्या इसलिए की गई कि इन लोगों को अभियुक्तों को ऐसा आ, ऐसा ज्ञात हुआ था कि थल सेना जनरल वैद्य के ही कार्यकाल में स्वर्ण मंदिर अमृत अमृतसर स्वर्ण मंदिर में ब्लू ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑपरेशन इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया और जिसमें कि सिख का सिख धर्मगुरु भिंडरा वाले की हत्या की गई थी तो वह सिख समुदाय जो है वह भिंडरा वाले एक वहाँ पर सरदार थे उस जो जिसकी ब्लू आप ब्लू स्टार ऑपरेशन के दौरान 1984 में इंदिरा गांधी ने करा करके उसमें स्वर्ण मंदिर में पहली बार भारतीय सेना प्रवेश की और उस सिख समुदाय के जो नेता था सिख गुरु था वहाँ पे भिंडरा वाले की को की मृत कारित कर दी हत्या उसका बदला लेने के लिए जब थल सेना अध्यक्ष की मृत्यु कारित कारित की गई तो उस केस में अभियुक्तों से जब सत्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या वह अपने अपराध को स्वीकार करते हैं या अपने बचाव में कोई अपना निर्दोष होने का दावा करते हैं तो उस केस में भी सुखदेव सिंह बनाम महाराष्ट्र के केस में सुखदेव उस अभियुक्तों ने सत्य न्यायालय के समक्ष अपने अपराध को स्वीकार किया कि वह उन लोगों ने अपराध किया है उन लोगों ने थल सेना अध्यक्ष की हत्या की है और उस हत्या में उनको किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं है और उनको कोई भी दंड दिया जाएगा वह दंड लेने के लिए स्वीकार हैं तो ऐसे कई ऐसे मामले हैं जो हार्ड कोर क्रिमिनल होते हैं जो पेशेवर अपराधी होते हैं या जो इस प्रकार के धार्मिक उन्माद के अंतर्गत अपराध किए जाते हैं इस प्रकार के जो अपराधी होते हैं वह एक मामलों में सत्र न्यायालय के समक्ष भी अपराध स्वीकार करते हैं कि उनको अपराध वह हत्या किए हैं मर्डर किए हैं और उनको इस हत्या का कोई भी अफसोस नहीं है उनके लिए चाहे कोई भी सजा हो तो यहाँ पर उस केस में भी जनरल थल सेनाध्यक्ष जनरल वैध हत्याकांड में उन अभियुक्तों को जब सत्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और पूछा गया कि क्या वह दोषी गिल्टी प्लीट करते हैं तो उन लोगों ने बोला मैं गिल वो गिल्टी प्लीट करते हैं और उन्होंने थल सेनाध्यक्ष को मार करके कोई भी अपराध नहीं किया है तो इस प्रकार की बातें बहुत रेयर स्टाफ रेयर केस में होती हैं परंतु तो फिर भी एक परसेंट ऐसे मामले आते हैं जब अभियुक्त दोषी होना स्वीकार करता है और उसी दोषी होने के स्वीकार करने पर सत्य न्यायालय ने वहाँ पे कन्विट कर दिया और उन सबको फांसी हो गई कन्विक्शन उस पर हो गया केवल मात्र इस आधार पर जब उन लोगों ने सत्य न्यायालय के समझ कहा कि नहीं थल सेनाध्यक्ष को मारने में उनको कोई अफसोस नहीं है कोई अपराध नहीं किया दोषी होना स्वीकार करते हैं और उसी दोषी होने के अभिभाग पर उनको दोषी दी कर देगी तो एक केस मैंने बताने का प्रयास बताने का मकसद केवल ये था कि जब दोषी होने का गिल्टी होने का प्लीड कोई अभियुक्त करेगा तो उसी आधार पर न्यायालय उनको दो सिद्ध कर सकती है और आगे की कार्रवाई रोक देगी और दोष सिद्धि के आधार पर यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आप देखें एक केस मैंने लिखा है दोषी अभिभाग पर दोषिद्धि केस का नाम है पवन कुमार वर्ष स्टेट ऑफ हरियाणा 1996 एससीसी इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अभियुक्त आरोप तय किए बिना यदि अपना दोषी होना स्वीकार करता है तो यह वैध प्ली नहीं मानी जाएगी कभी भी बिना आरोप तय किए अगर अभियुक्त किसी धर्मा धार्मिक धर्मांधता में या हार्ड कोर कोई ऐसा क्रिमिनल है जो बिना आरोप तय किए ही वह न्यायालय के समझ कहता है कि मैंने जो हत्या किया जो मैंने अपराध किया उस पर कोई पछतावा नहीं है वह अपना दोषी होना स्वीकार करता है तो सत्य न्यायालय एक सत्य न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पवन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के, के केस में निर्णित किया गया कि भले ही कोई अभियुक्त अपने दोषी होने के तर्क को स्वीकार कर ले अपना दोष स्वीकार कर ले, लेकिन अगर आरोप तय नहीं किया गया है उसके पहले अगर दोष स्वीकार करता है तो उसके आधार पर हम उसको दोष सिद्धि नहीं कर सकते पहले न्यायालय के द्वारा पूरी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा यह जानते हुए कि यह व्यक्ति अपराध किया है दोषी है परंतु मात्र इसके स्वीकार कर लेने आरोप तय करने के पहले न्यायालय पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो सकता कि यह व्यक्ति अपराधी हत्यारा है और हम इसको सजा दे दें तो इसलिए बिना आरोप तय कि ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा दोष स्वीकार करने को न्यायालय ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वैध प्ली नहीं होगी वैलिड प्ली नहीं मानी जाएगी तो इस केस को नेक्स्ट है अभियोजन का साक्ष्य जहाँ पर अभियुक्त तो अपने दोष को स्वीकार नहीं करता और वह अपना बचाव का दावा करता है कि वह निर्दोष है और अपना डिफेंस क्लेम करता है कि अपने पक्ष में वह अपने गवाहों को साक्षियों को पेश करेगा वहाँ पर न्यायालय के द्वारा सत्र न्यायालय के द्वारा एक डेट फिक्स की जाएगी तारीख नियत की जाएगी उस तारीख पर अभियोजन सीआरपीसी की धारा 230 के अंतर्गत अभियोजन का साक्ष्य लेखबद्ध करने के लिए सत्र न्यायालय अग्रसर होगा आगे बढ़ेगा और धारा 230 के अंतर्गत अभियोजन का साक्ष लेने में क्या क्या प्रक्रियाओं का पालन सत्य न्यायालय करेगा उसको देखें सेक्शन 231 के अंतर्गत साक्षियों की परीक्षा की जाएगी ये जो साक्षी हैं वो प्रोसिक्यूशन विटनेस हमने पी डब्ल्यू लिखा संक्षेप में प्रोसिक्यूशन विटनेस अभियोजन साक्षियों की परीक्षा की जाएगी और उनके स्टेटमेंट को न्यायालय शपथ पथ पर लेगा एफिडेविट पर लेगा कि अब वो न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ होगी ट्रायल प्रारंभ हो गया है और साक्षियों के द्वारा जो भी कथन किए जाएंगे सत्य किए जाएंगे मिथ्या अन्यथा मिथ्या साक्ष देने के आरोप में उन साक्षियों के विरुद्ध भी आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है अतः सत्य न्यायालय विचारण प्रारंभ होने पर अभियोजन साक्षियों की परीक्षा करेगा परीक्षा से तात्पर्य यहाँ पे उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाना और उनसे इनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का सत्य न्यायालय का यहाँ पर जो कार्य है उन्हीं साक्षियों की परीक्षा करता है जिसको पुलिस ने अन्वेषण के दौरान उनसे इस इस्टे, उनके स्टेटमेंट को पुलिस ने अन्वेषण के दौरान रिकॉर्ड किया है अब वही पुलिस प्रोसिक्यूशन विटनेस बना करके न्यायालय के समक्ष सत्य न्यायालय के समक्ष साबित करना चाहता है अब इसको उसके पश्चात देखें साक्ष्य को लेखबद्ध किया जाएगा मैंने बताया कि अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी अभियुक्त के एग्जामिनेशन से तात्पर्य यहाँ पे कि रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट स्टेटमेंट को अभियुक्त के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना यह है अभियुक्त का न्यायालय के द्वारा अभियुक्त की परीक्षा की संज्ञा दी जाती है जहाँ पर सत्य न्यायालय के द्वारा अभियोजन साक्षियों की परीक्षा अभियोजन के साक्ष्य को लेखबद्ध करने के पश्चात अभियुक्त के परीक्षा करने के पश्चात अभियुक्त के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो दो के अंतर्गत देखिए स्क्रीन पर यह सी की धारा दो के अंतर्गत सत्य न्यायालय को यह पावर दिया गया है कि वह दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अभियुक्त को दोष मुक्त कर दे एक्विटल कर दे इसका मतलब है कि सत्य न्यायालय की राय में अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है यदि अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं करता और सत्य न्यायालय की राय है कि अभियुक्त दोषी है तो ऐसी स्थिति में आगे की कार्रवाई देखें मैंने स्लाइड के माध्यम से कि जहाँ पर दोषमुक्ति नहीं तब प्रतिरक्षा का साक्ष्य के लिए जहाँ अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जाता और सत्य न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है तो अभियुक्त से उसके स्टेटमेंट को उसके अभियुक्त के तरफ से साक्ष्य देने वाले साक्षियों के कथन को स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए अभियुक्त को एक तारीख देगा एक समय देगा कि उस तारीख और समय पर अभियुक्त अपने बचाव में जितने भी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है सत्य न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत करें और इसमें जो स्लाइड पर आप देखें क्या मैंने बनाया है जो दोष दोस्म, जहाँ दोष मुक्ति नहीं होती वहाँ पर प्रतिरक्षा का साक्ष्य सेक्शन टू, टू में अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी अभियुक्त की परीक्षा से तात्पर्य मैं पुनः वही बता रहा हूँ कि अभियुक्त के स्टेटमेंट को ओथ पर लिया जाएगा शपथ पर लिया जाएगा सत्य न्यायालय के समक्ष शपथ पर लेने का मतलब है कि जो कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष शपथ पर स्टेटमेंट देता है कथन करता है यदि उसमें कोई भी असत्यता पाई जाती है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य देने के गलत साक्ष्य देने के आरोप में अन्य आपराधिक कार्रवाई भी प्रारंभ की जा सकती है तो अभियुक्त की परीक्षा करेगा धारा दो के अंतर्गत सत्य न्यायालय और विचारण के समक्ष अभियुक्त को अधिकार होगा क्या ये मैंने स्लाइड पर लिखा है कि सेक्शन 303 सौ आर्टिकल 22, 303 सौ तीन सी विधिक सहायता ये 303 नहीं बल्कि 304 है सेक्शन 304 सौ चार के अंतर्गत फ्री लीगल एड की बात की गई है अब फिर यहाँ पे साक्षी की परीक्षा है यह डिफेंस विटनेस हम इसको अगर संक्षेप में बोलें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिफेंस विटनेस प्रतिरक्षा साक्षी प्रतिरक्षा गवाह फिर उसके बाद है कोर्ट विटनेस सेक्शन 234 बहस फिर उसके बाद निर्णय है अब इस चार्ट के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि जहाँ पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात सत्य न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है उसे दोष मुक्त नहीं करता वहाँ पर अभियुक्त के कथन को लेखबद्ध करते हुए अभियुक्त से अन्य साक्ष्य की मांग सत्य न्यायालय कर सकता है कि उसके पक्ष में जो कुछ भी गवाह प्रस्तुत होने वाले हैं उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है तो उसमें साक्षियों साक्षियों की परीक्षा के संबंधित भाव दिया गया है कि जो अभियोजन साक्षी हैं उनकी परीक्षा कर सकता है सत्य न्यायालय और कोर्ट विटनेस मैंने उसको लिखा है डिफेंस विटनेस डी डब्ल्यू डिफेंस विटनेस का मतलब प्रतिरक्षा साक्षी और कोर्ट विटनेस मतलब यहाँ पे है न्यायालय के न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोर्ट विटनेस के रूप में न्यायालय साक्षी के रूप में गवाह के रूप में बुला सकता है जिससे प्रतीत होता है सत्य न्यायालय को कि किसी उस व्यक्ति के गवाही से इस मामले में नया मोड़ आ सकता है या प्रकाश पड़ सकता है तो किसी भी व्यक्ति को स्टेटमेंट के लिए कोर्ट समन कर सकता है अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है तो ऐसी स्थिति में जब सत्य न्यायालय के समक्ष ट्रायल अभियुक्त का प्रारंभ हुआ अभियुक्त के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया यहीं पर अभियुक्त अगर गरीब है निर्धन है तो यह अभियुक्त निर्धन नहीं है तो उसके क्या राइट होंगे यहीं पर संक्षेप में मैं बताने का प्रयास करूं कि सत्र न्यायालय के समक्ष यदि अभियुक्त यह मांग करता है कि वह अपने किसी भी अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड तब तक नहीं कराएगा जब तक कि उसे काउंसल उपलब्ध न करा दिया जाए तो वह अपने मन के किसी भी अपने मनपसंद के किसी भी काउंसिल से अधिवक्ता से विधिक परामर्श ले सकता है मनपसंद अधिवक्ता से परामर्श लेने का अधिकार मैंने बताया कि यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है और दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस की धारा 303 के अंतर्गत एक लीगल राइट भी है विधिक अधिकार भी है तो राइट टू हैव ए काउंसिल ऑफ यून चॉइस अपने मनपसंद अधिवक्ता से विधिक परामर्श करने का अधिकार यह संविधान के आर्टिकल बाईस द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार भी है और सी की धारा तीन तीन द्वारा प्रत्याभूत विधिक अधिकार लीगल राइट भी है तो ये दो अधिकार हो गए दो प्रावधान को आपको ध्यान में रखना है यदि अभियुक्त निर्धन है और निर्धन है हो सकता है कि गरीब है और अपराध कर दिया है निर्धनता के कारण वह अपने खर्चे पर अधिवक्ता की नियुक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान की आर्टिकल इक्कीस और दंड प्रक्रिया संहिता सी की धारा तीन ऐसे निर्धन व्यक्तियों को सरकार के खर्चे पर अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए सरकार को निर्देशित करती है सत्य न्यायालय का यह विधिक कर्तव्य होगा कि जहाँ अभियुक्त निर्धन है निर्धनता के कारण वह न्याय से पाने से वंचित न हो उस निर्धन अभियुक्त को सरकार के खर्चे पर फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करेगा और उसका बचाव करने का प्रयास करेगा यह कहाँ से प्राप्त है ये दोनों अधिकार कहाँ से लिया गया है इसकी फ़िलासफ़ी क्या है फिलॉसफी इसकी यही है कि मैंने अभी इसके ठीक पहले व्याख्यान में बताया था कि जो यू है सार्वभौमिक अधिकारों का जो मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा नाइनटीन का है उसके आर्टिकल ग्यारह के अंतर्गत अनुच्छेद ग्यारह के अंतर्गत निर्दोषिता की उपधारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसका दोष न्यायालय के समक्ष साबित न कर दिया जाए उस उपधारणा के तहत यह अधिकार अभियुक्त को भी प्राप्त है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 303 और धारा 304 के अंतर्गत विधिक सहायता का अधिकार निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्रदान किया गया है तो सत्र न्यायालय वैसे ही कार्रवाई प्रारंभ होने के पहले ही यह सुनिश्चित करेगा ये तो मैंने पहले ही बताया था कि सत्र न्यायालय के समक्ष जैसे ही कार्रवाई आरंभ की जाएगी सत्र न्यायालय के द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि जो अभियुक्त उसके समक्ष लाया गया है या प्रस्तुत किया गया है यदि वह निर्धन है अपना अधिवक्ता नियुक्त करने में निर्धनता के कारण असमर्थ है तो सत्र न्यायालय उसी समय कार्रवाई आरंभ होते समय ही सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता नियुक्त करेगा अब यहाँ पर भी अगर स, ट्रायल हो रहा है अब मामला बहस पर जा रहा आर्गूमेंट की स्थिति पर है सत्र न्यायालय निर्णय लेने की स्थिति में है तो प्रत्येक स्तर पर मैंने बताया विचारण प्रारंभ के समय से लेकर के विचारण समाप्ति तक ऐसे निर्धन अभियुक्त को सरकार के खर्चे पर अधिवक्ता उपलब्ध कराने की जवाबदेही आपराधिक न्यायालय की है इस बात की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्ष उन्नीस में एमएच एम एच हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट के बाद में किया गया माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एम एच हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट के बाद में सर्वप्रथम यह निर्णय किया गया कि निर्धन व्यक्तियों का निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है जीने का अधिकार का कोई मतलब नहीं होगा यदि कोई व्यक्ति निर्धनता के कारण न्याय पाने से वंचित हो जाए उसी 1978 से लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए उस प्रथम निर्णय में तभी से लेकर के भारतीय संसद के द्वारा उन्नीस में नाइनटीन में निर्धन व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने के लिए एक विशेष कानून ही बना दिया गया है तो मैं ये बता रहा था कि जब सत्र न्यायालय के समक्ष भी अगर ट्रायल प्रारंभ होता है तो ट्रायल प्रारंभ से लेकर के ट्रायल समाप्ति तक अभियुक्त को यदि निर्धन है तो निर्धन अभियुक्त को सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा अब अभियुक्त के तरफ से प्रतिरक्षा साक्षियों के साक्ष्य को अभिलिखित करने के पश्चात अभियुक्त के स्टेटमेंट को लिखा रिकॉर्ड करने के पश्चात अब बहस दोनों पक्षों से दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट लेने के पश्चात सत्र न्यायालय का यदि ये समाधान हो जाता है कि अब इसमें निर्णय होना है जजमेंट होना है मैंने इसको लिखा है नीचे स्लाइड पर देखें कि सेक्शन 235 जजमेंट होना है अब सत्य न्यायालय की सारी प्रोसीडिंग ट्रायल फिनिश हो गया अब निर्णय आना है तो सत्य न्यायालय के द्वारा निर्णय में क्या हो सकता है इस सत्य न्यायालय की इस स्लाइड के माध्यम से देखें कि सी की धारा दो के अनुसार सत्य न्यायालय जब बहस की समाप्ति के पश्चात निर्णय दो ही हो सकता है या तो अभियुक्त दोषमुक्त होगा या दोषिध होगा जहां पर अभियुक्त दोषिध किया जाता है स्लाइड पर आप देखें मैंने सिद्धि को जहाँ पर सत्य न्यायालय के समक्ष विचारण के पश्चात सत्य न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त दोषी है वहाँ पर अभियुक्त को दो सिद्ध करते हुए यदि अभियुक्त फर्स्ट डिग्री ऑफेंडर है पहली बार अगर उसने अपराध किया है तो फर्स्ट डिग्री ऑफेंडर होने के नाते दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के अंतर्गत ऐसे अभियुक्त को दोषिद्ध दो सिद्ध करते हुए न्यायिक निगरानी में जिसको हम परिवक्षा बोलते हैं प्रोबेशन बोलते हैं परीक्षा पर छोड़ेगा परीक्षा पर छोड़े जाने का प्रावधान धारा 360 सौ के अंतर्गत न्यायालय को प्रदान किया गया है कि जहाँ पर न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त अपराधी है उसे दोषिद्ध किया जाता है उसे जेल न भेज करके न्यायिक निगरानी में जुडिशियल सुपरविज़न में उसे परवक्षा पर छोड़ा जाता है और वह घर जाकर के एक सामान्य नागरिक की तरह अपना जीवन यापन कर सकता है केवल और केवल अंतर यह होता है कि परीक्षा पर छोड़े जाने के लिए कुछ उसकी शर्तें हैं कंडीशन अधारा तीन सौ साठ के अंतर्गत शर्त वह है कि यदि इक्कीस वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है फर्स्ट डिग्री ऑफेंडर है उसने मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंडनीय भी अपराध कर दिया है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ऐसे जीवनाइल को जो 21 वर्ष तो से कम आयु का व्यक्ति है मृत्युदंड आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया हुआ है उसे परीक्षा पर उसे जेल न भेज करके न्यायिक निगरानी पर प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है दो कैटेगरी में बांटा गया है सेक्शन 360 को वे व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु के हैं और अपराध में दोषिध पाए जाते हैं वे व्यक्ति जो इक्कीस वर्ष से अधिक आयु के हैं और किसी अपराध में दोषिध पाए जाते हैं तो उनको भी परीक्षा पर छोड़ा जा सकता है परंतु जो 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं यदि वह हत्या और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए में करने में दोषित किए जाते हैं तो उनको सामान्यतः परीक्षा पर प्रोवेशन पर नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि वे माना जाता है कि इक्कीस वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं और वे समाज के लिए हानिकर हैं समाज में रहना उनके लिए तो ऐसी स्थिति में जो 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को प्रोवेशन कम मिलेगा कम नहीं मिलेगा ये धारा 360 के अंतर्गत किया गया सेक्शन 360 के अंतर्गत जो परीक्षा का उद्देश्य है परीक्षा का उद्देश्य केवल और केवल यह है अभ्युक्त को सुधारने का एक अवसर प्रदान करना जिससे कि वह समाज की मुख्य धारा में अपने आप को प्रतिस्थापित कर सके तो ऐसी स्थिति में जो फर्स्ट डिग्री प्रथम कोटि का अपराधी है पहली बार कोई अपराध किया है और वह अप्राषित करना चाहता है तो यह एक प्रक्रिया है न्यायालय को एक अवसर मिलता है इस, इस, इस धारा के माध्यम से कि वह अभियुक्त के पूर्व चरित्र को देखते हुए उसके क्रिमिनल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभियुक्त को सुधरने के एक अवसर प्रदान कर दिया जाए जिससे कि अभियुक्त यदि रिप्राशित करना चाहता है तो वह सुधरने की अगर गुंजाइश है तो उसे परीक्षा पर छोड़ दिया जाए अगर परीक्षा पर नहीं छोड़ा जाता तो ऐसी स्थिति में सत्य न्यायालय के द्वारा ऐसे अभियुक्त को कारावासित किया जाएगा आजीवन कारावास से मृत्युदंड दिया जा सकता है जैसा कि मैंने बताया अभी अफजल कसाब के मामले में बहुत से ऐसे मामले हैं इंदिरा गांधी हत्याकांड के मामले में जो केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन ए आई सुप्रीम कोर्ट का केस है केहर सिंह को भी दिल्ली इंदिरा गांधी हत्या केंड हत्याकांड के हत्या केस के मामले में मर्डर केस के मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी राजीव गांधी एसोसिनेशन केस में भी जो नलनी है अभी नलनी बनाम सीबीआई का केस है उसको भी आजीवन कारावास मृत्युदंड सुनाया गया लेकिन उसके मामले को आजीवन कारावास में बदल दिया गया ऐसे जनरल वैध हत्याकांड है थल सेनाध्यक्ष को मुख्यमंत्री पंजाब मुख्यमंत्री बेयत सिंह हत्याकांड बेयत सिंह की केस में जो उनकी बेन्द सिंह बेअत सिंह की हत्या हुई थी ऐसे मामले हैं जो रेयर ऑफ रेयर हैं जिसमें मृत्युदंड दिया गया है तो सेक्शन 235 थर्टी सत्य न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करता है कि सेक्शन 235 के अंतर्गत सत्य न्यायालय या तो दोष सिद्ध कर सकता है या दोष मुक्त करता है दोषमुक्ति की दिशा में कोई समस्या नहीं जहाँ पर अभिद को दोष सिद्ध करता है उसमें एक आ, आ, मैंने उस चार्ट को देखिए लिखा है निर्णय सुनाए जाने के पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान करना प्री सेंटेंस हियरिंग है और ऑब्जेक्ट इसका क्या है कि जो प्री सेंटेंस हियरिंग है मैंने बताया सेक्शन 235 और उपधारा दो के अंतर्गत प्री सेंटेंस हियरिंग है यह नैसर्गिक न्याय मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है प्री सेंटेंस हियरिंग दंड दंडादेश के पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करना वैसे यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि बिना किसी व्यक्ति को सुने हुए दंड देना यह नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन माना जाएगा तो एक जो एक अवसर दिया जाए जब पनिशमेंट देना है तो सत्र न्यायालय दंडादेश देने के पूर्व एक अभियुक्त को अवसर प्रदान करे जिससे कि अभियुक्त यदि प्राशित करना चाहता है तो वह न्यायालय के समक्ष अब प्री सेंटेंस हियरिंग का ऑब्जेक्ट क्या है ये मैं बताना चाहूँगा प्री सेंटेंस हियरिंग का ऑब्जेक्ट है कि जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है दंड की मात्रा को कम करना और यह कब प्री सेंटेंस हियरिंग न्यायालय को प्राप्त वह अवसर है जब अभियोज जब अभियुक्त के द्वारा न्यायालय की संज्ञान में ये बात ला दिया जाए कि अभियुक्त को दंडादेश देने में न्यायालय थोड़ी उदारता बरते क्योंकि अभियुक्त परिवार का ब्रेड विनर है परिवार का इकलौता सदस्य है जो वह धनार्जन करने वाला है आर्थिक संसाधनों को संग्रह करने वाला है उससे उसे, उसे ज़्यादा कारावास दे दिए जाने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है तो उसके सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त की जो प्री सेंटेंस हिरिंग है उसका उद्देश्य केवल और केवल यह है कि अभियुक्त के सामाजिक आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि अभियुक्त पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय में उपलब्ध करा देता है कि उसके ज़्यादा कारावास दे दिए जाने से परिवार को आर्थिक तंगी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है तो न्यायालय दंड देते समय दंड की मात्रा को कम कर देता है यह प्री सेंटेंस हियरिंग का लॉजिक है तर्क है जो कि धारा 235 उपधारा 2 में दिया हुआ है अब इस समय जैसा कि मैंने स्लाइड पर आपको देखिए लिखा हुआ है जनरल वैद मर्डर केस थल सेनाध्यक्ष वैद का मर्डर केस है केस का नाम है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुखदेव सिंह एंड अदर्स ए आई आर सुप्रीम कोर्ट इस केस में अभियुक्त ने विचारण के समय और धारा टू के अधीन भी हत्या को स्वीकार किया था मैंने अभी ठीक इसके पहले बताया था कि जो सुखदेव सिंह था जब ट्रायल हुआ उस समय सत्य सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय के समय जब इसका ट्रायल चल रहा था तो तत्कालीन सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा जब इसे पूछा गया कि क्या वह अपना दोषी होना स्वीकार करता है तो उसने उन्हीं पर प्लीड कर लिया कि हाँ वह दोषी होना स्वीकार करता है उसको हत्या जनरल थल सेनाध्यक्ष की हत्या करने में कोई अफसोस नहीं है वह अपने दोष को स्वीकार करता है प्री सेंटेंस हियरिंग के केस में भी उसने कहा कि वह प्री सेंटेंस हियरिंग को लेने से मना कर दिया कि उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है प्री सेंटेंस हियरिंग सत्र न्यायालय को दे, के देने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वह अपने अपराध को दंड की मात्रा को जो भी कोई दंड दिया जाएगा रिग्रस दंड दिया जाए कठोर से कठोरतम दंड दिया जाए सभी किसी प्रकार के दंड को स्वीकार करने के लिए वह सहमत है क्योंकि उसको उस अपराध पर कोई प्रायश्चिति नहीं है तो ये बात हो गई आ, इस केस के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया कि किस केस में सत्य न्यायालय के द्वारा प्री सेंटेंस हियरिंग के प्रस्ताव को अभियुक्त के द्वारा हटा दिया गया और प्री सेंटेंस हियरिंग में कभी कभी अभियुक्त इस प्रकार के पेशेवर हार्डकोर होते हैं कि अपने अपराध को स्वीकार करते हुए दंडादेश की किसी भी मात्रा को एक्सेप्ट करने कर लेते हैं तो ये फ्री सेंटेंस हियरिंग का मामला है अब यह दो सिद्धि का निर्णय सत्र न्यायालय जिस किसी भी मामला में जैसे मैंने आपको बताया स्लाइड पर आप देखें सत्र न्यायालय के समय जो कुछ भी मामले आपराधिक मामले आएंगे वह निश्चित रूप से मृत्युदंड आजीवन कारावास दस वर्ष अधिक के कारावास से दंडीय मामले होंगे तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बताने का प्रयास करूँगा कि आप ये देखें कि 302 सौ जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 है हत्या मर्डर के दंड की बात करती है पनिशमेंट ऑफ मर्डर तो उस मर्डर हत्या के मामलों में जो दंड देने की बात धारा 302 सौ दो सी के अंतर्गत कही गई है उसमें न्यायालय को दो ऑप्शन दिए गए हैं मैं उसको पढ़ रहा हूँ आप ये देखें आईपी की धारा 302 के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है वह मृत्युदंड या जीवन कारावास और जुर्माने से दंडित होगा तो मृत्यु दंड जो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा वह मृत्युदंड या जीवन कारावास से दंडित होगा तो यहाँ पे क्या कोर्ट को दो ऑप्शन दे दिए गए न्यायालय को दो विकल्प दे दिया गया कि न्यायालय मर्डर के मामले में भी या तो आजीवन कारावास दे या डेथ सेंटेंस या मृत्युदंड दे ये दो विकल्प न्यायालय को इसलिए दिए गए कि हो सकता है कि कोई भी अभियुक्त तो फर्स्ट डिग्री ऑफेंडर हो पहली बार किसी मजबूरी व्यवस्था में यदि कोई मृत्यु कारित कर दे तो उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को उस अपराधी से तुलना न किया जाए जो पेशेवर हत्यारा है जो पेशेवर मर्डर है जो हैबिचुअल मर्डरर है किलर है तो जो प्रथम डिग्री फर्स्ट डिग्री पहली बार अगर किसी ने अपराध किया है व्यवस्था में मृत्यु कारित की है तो हम सत्य न्यायालय को विवेक होगा कि उसे आजीवन कारावास दे जो पेशेवर अपराधी हैं उनको मृत्युदंड दिया जाए जिससे कि समाज में एक प्रकार से एग्जेपलरी पनिशमेंट हो समाज को एक संदेश जाए कि हेबिशुअल अफेंडर के लिए पनिशमेंट यही है और समाज के प्रतिशोध की भावना कम हो सके यह दंड देने का उद्देश्य है लेकिन 1980 तक 1980 तक यह बात क्लियर नहीं थी सत्र न्यायालय किसी मामले में डेथ सेंटेंस देता था किसी मामले में आजीवन कारावास तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नाइनटीन में एक केस के माध्यम से आप उसको स्क्रीन पर देखें मैंने केस पर लिख भी दिया है केस को स्क्रीन पर बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अब चूंकि हमने आपको बताया कि मृत्युदंड आजीवन कारावास आजीवन कारावास एक नियम है मृत्युदंड एक अपवाद है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज अ रूल एंड डेथ सेंटेंस इज एन एक्सेप्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनाल्टी शुड बी अवार्डेड इन एक, इन रेरेस्ट ऑफ रेयर केस तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ये इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1980 में एक ऐसे मानदंड को विकसित किया गया बच्चन सिंह केस में कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मृत्युदंड आपवादिक मामलों में बिरल से बिरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए डेथ सेंटेंस कैन ओनली बी अवार्डेड इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड रेरेस्ट ऑफ रेयर बिरल से बिरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए आजीवन कारावास एक नियम होना चाहिए मृत्युदंड एक अपवाद होना चाहिए मृत्युदंड आपवादिक परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए जबकि हत्या जैसे मामलों में आजीवन कारावास एक नियम होना चाहिए और डेथ सेंटेंस आपवाधिक परिस्थितियों में बिरल से बिरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए अब बिरल से रेयरस्ट ऑफ रेयर केस कौन होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेरेस्ट ऑफ रेयर केस को यह डिस्ट्रिक्ट है यह एक पैमाना है कि डेथ सेंटेंस उसी मामलों में दिया जाएगा जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में हत्या हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, कि किस मामले को हम रेयरस्ट ऑफ रेयर मानेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णित किया गया कि जहाँ पर किसी राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु कार्य कर दी जाए किसी राज्य के प्रमुख की मृत्यु कारित कर दी जाए जैसे इंदिरा गांधी हत्याकांड हुआ जैसे राजीव गांधी हत्याकांड हुआ मुख्यमंत्री बेन सिंह की हत्या हुई थल सेना अध्यक्ष जनरल वैद की हत्या हुई ये जो केसेज हैं यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर माने जाने चाहिए यह ये यह ये ये बिरल से बिरलतम मामला माना जाना चाहिए और ऐसी स्थितियों में अपराधियों के लिए केवल और केवल एक सजा है वह है डेथ सेंटेंस मृत्युदंड अन्य परिस्थितियों में अगर कोई मृत्यु कारित की जाए तो उसमें आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डेथ सेंटेंस है यह रेरेस्ट ऑफ रेयर केस में अवार्ड किया जाना देना चाहिए बिरल से बिरलतम मामलों में देना चाहिए बिरल से बिरलतम मामलों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नाइनटीन में जब यह सिद्धांत विकसित किया गया तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सत्र न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जो ट्रायल कोर्ट है उनके लिए एक प्रकार से मिरर का काम होगा दर्पण का कार्य करेगा कि सत्य न्यायालय जब कभी भी किसी भी हत्या जैसे मामलों में डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजन में दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा तो सत्य न्यायालय डेथ सेंटेंस तभी चूज करेंगे अभिद को डेथ सेंटेंस तभी देखें देंगे जब वह केस रेरेस्ट ऑफ रेयर हो और रेरेस्ट ऑफ रेयर के लिए जहां पर किसी एक जहां किसी परिवार के परिवार के सारे सदस्यों की मृत्यु कारित कर दी जाए पूरे किसी समाज विशेष के व्यक्तियों की मृत्यु कारित कर दी जाए वहाँ पर यह माना जाएगा कि वह केस रेयर ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है और अभियुक्तों को केवल और केवल डेथ सेंटेंस डेथ सेंटेंस ही दिया जाना चाहिए उदाहरण के तौर पर जैसे किसी एक परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी जाती है वहाँ पर हत्यारे को सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के पश्चात केवल और केवल एक पनिशमेंट मिलना चाहिए वह है डेथ सेंटेंस मृत्युदंडादेश तो अब इस 1980 एटी के केस में एक सुप्रीम कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट डेवलप कर दिया एक मानदंड किया कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही डेथ मृत्युदंड दिया जाएगा और अन्य प्रकार के हत्या में आजीवन कारावास ही दिया जा सकता है इसको नियम माना जाना चाहिए ठीक इसी प्रकार से जब उन्नीस में एटी में केस आ गया पुनः सुप्रीम कोर्ट के भी उन्नीस में इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने विकसित किया और ठीक तीन वर्ष पश्चात नाइन्टीन एट्टी थ्री में उन्नीस सौ तिरासी में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मामला आ गया मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस जिसमें कि अभियुक्तों के द्वारा एक समीप के गांव में एक ही परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई थी उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज के केस में दिए गए सिद्धांत को लागू करते हुए यह माना कि यह केस रेयर ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है और इसमें अभियुक्त को मृत्युदंड दिया जाएगा तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कि अब सेशन कोर्ट के द्वारा अपने विवेक डिस्क्रिप्शन को प्रयोग डिस्क्रिप्शन अप्लाई करने का स्कोप ही नहीं रह गया है उन्नीस सौ अस्सी के पश्चात क्यों क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय की अवहेलना वह भी एक प्रकार से न्यायिक अवमानना मानी जाएगी उच्चतम न्यायालय की अवमानना कंटेम्प्ट कोर्ट माना जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने सत्य न्यायालय को एक प्रकार से एक आ, लिटमस टेस्ट दे दिया एक टेस्ट दे दिया कि अगर इस टेस्ट के भीतर आप रहेंगे तो ये आपका दायरा है इसके यदि बाहर जाएंगे तो यह उच्चतम न्यायालय की अवमाना मानी जाएगी और वह जो बाउंड्री सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कैपिटल पनिश डेथ सेंटेंस दिया जाए या आजीवन कारावास दिया जाए उसकी जो एक डिमार्केशन एक बाउंड्री खींची गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो बाउंड्री ये है कि केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी बिरल से बिरलतम मामलों में ही मृत्युदंड दिया जाएगा आजीवन कारावास नियम के रूप में मृत हत्या के मामलों में दिया जाना चाहिए और जैसा कि मैंने बताया अभी तक के जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय रहे हैं उसमें रेयरस्ट ऑफ़ रेयर कैटेगरी को कौन से ऐसे मामले होंगे जिसको रेयर रेयरस्ट ऑफ़ रेयर कैटेगरी मानते हुए अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया जाएगा वो मैंने आपको दृष्टांत स्वरूप बताया जहाँ पर प्रधानमंत्री के देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाए राज्य के मुख्यमंत्री की हत्या कर दी जाए थल अध्यक्ष की हत्या कर दी जाए किसी गांव के पूरे गांव के गांव के लोगों को मृत्युकारित कर दी जाए एक ही परिवार के सभी सदस्यों को मृत्यु कर दी जाए यह जो यह जितनी भी प्रकार की हत्याएं होंगी यह रेयरस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी के अंतर्गत मानी जाएंगी तो यह बात हो गई मृत्युदंड और आजीवन कारावास देने में सत्य न्यायालय के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को और आ, इस प्रकार से अब सत्य न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय की भाषा क्या होगी इसके लिए सीआरपीसी इस की धारा तीन सौ तिरपन और तीन सौ चौवन के प्रावधान को देखना होगा सेक्शन थ्री फिफ्टी थ्री थ्री एंड थ्री फिफ्टी फोर के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय के किसी भी निर्णय की जो लैंग्वेज होगी न्यायालय के निर्णय की भाषा वह न्यायालय के स्थानीय भाषा में निर्णय को दिया जाएगा जो अभियुक्त के समझ में हो जो अभियुक्त निर्णय का चूँकि उद्देश्य यह है कि अभियुक्त की समझ में आना तो अभियुक्त की भाषा में हो और निर्णय न्यायालय का निर्णय कैसे होगा निर्णय की भाषा क्या होगी लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या होगा यह धारा तीन सौ तिरपन तीन सौ चौवन के अंतर्गत दिया गया है कि तीन सौ तिरपन तीन सौ चौवन के अंतर्गत उसको देखा जाएगा तो ये मैंने बताया कि सत्र न्यायालय के समक्ष जो विचारण की प्रक्रिया है वह धारा दो सौ पच्चीस से लेकर के दो सौ टू थर्टी सेवन तक जो दिया हुआ है यह है अब सेक्शन 237 में जो प्रावधान किए गए हैं वह है कि सत्र न्यायालय के द्वारा वैसे सत्र न्यायालय संज्ञान कोर्ट नहीं होता है सत्र न्यायालय सीधे किसी मामले आपराधिक मामले का संज्ञान नहीं लेता सिवाय उन मामलों के जो भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल केंद्रों के मंत्रियों के विरुद्ध मानहानि की जाती है उन मानहान की दशा में यह सेक्शन वन 193 और 199 को अगर हम देखते हैं तो सीआरपीसी की धारा एक में प्रावधान किया गया है कि संहिता में उपबंधित प्रावधानों के सिवाय सत्र न्यायालय के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाएगा अर्थात संहिता में कहीं कोई प्रावधान है तभी सत्र न्यायालय संज्ञान लेगी तो सेक्शन 193 नाइन्टी स्पष्ट करता है कि सत्र न्यायालय के द्वारा आपराधिक मामले का संज्ञान नहीं लिया जाता परंतु सेक्शन 199 में यह प्रावधान किया गया है कि लोक अभियोजक के लिखित परिवाद पर सत्र न्यायालय ऐसे किसी आपराधिक मामले में संज्ञान ले सकता है जो भारत के राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल केंद्र के मंत्रियों के विरुद्ध मानहानि की जाती है वहाँ पर सत्र न्यायालय लोक अभियोजक के लिखित परिवाद पर संज्ञान ले सकता है वो ये अपवाद है नियमता सत्य न्यायालय किसी आपराधिक मामले में संज्ञान नहीं लेता और यदि लिखित परिवाद पर सत्य न्यायालय ने संज्ञान लिया है तो उसमें ट्रायल का प्रोसीजर क्या होगा ये सेक्शन 237 या उसके अंतर्गत हम देखेंगे एक अलग से करेंगे चर्चा परंतु यहाँ पर जो मैंने बताने का प्रयास किया कि सेक्शन 225 से लेकर के 237 थर्टी तक जो सत्य न्यायालय के द्वारा आपराधिक मामलों में विचारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है उसको संक्षेप में बताने का प्रयास किया और न केवल सत्य न्यायालय के द्वारा लोक अभियोजक कार्रवाई को क्यों आरम्भ करता है भारतीय शासन अधिनियम की धारा एक बर्डन ऑफ प्रूफ क्यों क्या है और इसमें डिस्चार्ज का मतलब क्या है एकुटल कन्विक्शन क्या है सत्र न्यायालय के द्वारा जो प्री सेंटेंस हियरिंग है एक प्री सेंटेंस हियरिंग का कॉन्सेप्ट है टू थर्टी फाइव दो के अंतर्गत कि दंडादेश पारित करने के पहले अभियुक्त को एक अवसर प्रदान करना यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन टू थर्टी फाइव दो के अंतर्गत और डेथ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजमेंट में सत्र न्यायालय किसको चूज करेगा इसके लिए दिशा निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्ष उन्नीस में बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज केस के वाद में दिया गया है तो मैंने उस केस को भी बताने का प्रयास किया जिसके माध्यम से आप सभी छात्र सत्र न्यायालय के द्वारा विचारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया उससे संबंधित उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण वाद और निर्णय जजमेंट जजमेंट की भाषा सत्य न्यायालय के समक्ष सत्य न्यायालय के द्वारा आपराधिक मामलों में दी जाने वाली प्रोबेशन परीक्षा के कॉन्सेप्ट को परीक्षा का उद्देश्य क्या है धारा 360 सौ को जोड़ते हुए ये मैंने बताने का प्रयास किया जिससे कि आप सभी छात्र प्रोबेशन सहित सत्य न्यायालय के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के विषय में अवगत हो पाएँ साथ ही साथ मैंने ये भी बताने का प्रयास किया कि सत्य न्यायालय के समक्ष जो प्री सेंटेंस हियरिंग है कब किसी अभियुक्त के द्वारा इनकार किया जा सकता है उसको देना ना देना सबसे और इसके इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्य न्यायालय चूँकि जिले का सबसे बड़ा आपराधिक न्यायालय है उसमें कार्रवाई आरंभ लोक अभियोजक करेगा उसके पहले लोक अभियोजक के द्वारा यह भी सुनिश्चित करना सत्य न्यायालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि जो उसके समक्ष कार्रवाई आरंभ की जा रही है अभियुक्त के द्वारा उन कौन जो फेयर ट्रायल के निष्पक्ष विचारण के जो महत्वपूर्ण घटक हैं उसका सुनिश्चित करना सत्य न्यायालय के लिए भी आवश्यक है कि अभियुक्त यदि निर्धन है तो उसको राज्य के खर्चे पर निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना सरकारी अधिवक्ता सरकार के खर्चे पर अधिवक्ता की नियुक्ति करना ये सत्य न्यायालय अब विषाण प्रारंभ होने के पहले ही सुनिश्चित करेगा तो मैंने जो सत्य न्यायालय से संबंधित प्रोसीजर है 225 से लेकर के 237 तक वो मैंने पूरा बताने का प्रयास किया और उसमें राइट टू फ्री लीगल एड कैसे मैंने बताया राइट टू लीगल एड को कैसे संविधान के आर्टिकल 22 को जोड़ते हुए सीआरपीसी की धारा 303 304 को जोड़ते हुए ई एम एच हाउस कोड वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की केस को उद्धृत करते हुए और इसमें सी uh, और संविधान के अंतर्गत भारतीय शासन नियम की धारा एक के अंतर्गत इन सभी uh, जो प्रासंगिक uh, जो रेलिवेंट प्रोविज़न है संविधान के अंतर्गत और सी के अंतर्गत सत्य न्यायालय के समझ विचारण की प्रक्रिया से संबंधित वह मैंने आपको बताने का प्रयास किया और ट्रायल जो वारंट ट्रायल है उसका कि उसको परिभा उसकी परिभाषा से लेकर के सत्य न्यायालय कितना पनिशमेंट दे सकता है पनिशमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है अरेरेस्ट ऑफ रेयर कॉन्सेप्ट क्या है रेरेस्ट ऑफ रेयर कॉन्सेप्ट को अभी तक किस अपराध में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया गया और ये सब कुछ इससे संबंधित भी मैंने केस आपको बताने का प्रयास किया है मैं समझता हूँ कि इस केस इन व्याख्या इस व्याख्यान के माध्यम से सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया धारा 225 से लेकर के 237 तक के अंतर्गत जो भी प्रावधान है उससे स्टेप वाइज स्टेप बाय स्टेप मैंने बताने का प्रयास किया उससे संबंधित भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या प्रावधान है माननीय उच्चतम न्यायालय के इस पर क्या निर्णय है वो मैंने आपको महाराष्ट्र राज्य बनाम बना सुखदेव सिंह की केस में बताया कि प्री सेंटेंस हियरिंग को कब अभियुक्त लेने से इनकार कर सकता है गिल्टी प्लीट करने पर अभियुक्त के लिए क्या प्रावधान है और राइट टू फ्री लीगल एड से संबंधित केस क्या है राइट टू लीगल एड में क्या डिफरेंस है दोनों के मध्य मैंने डिफरेंस को बताते हुए और यह प्री सेंटेंस हियरिंग का जो ऑब्जेक्ट है कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए क्वांटम पनिशमेंट सत्य न्यायालय कम कर सकता है तो मैंने सत्य न्यायालय के द्वारा विचारण से संबंधित प्रत्येक पहलुओं को टच करने का प्रयास किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे सत्य न्यायालय निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित कर सकता है और विचारण की प्रक्रिया को कैसे पारदर्शी बना सकता है इन प्रक्रियाओं का यदि अनुपालन किया जाएगा तो निश्चित रूप से यदि इन स्टेप को आप याद रखते हैं इस चार्ट को यदि आप रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सत्र न्यायालय के द्वारा विचार से संबंधित कोई भी समस्या आपको प्रारंभिक परीक्षा में या रिटर्न टेस्ट में कोई भी समस्या होगी इन्हीं शब्दों के साथ इस विश्वास के साथ कि यह लेक्चर व्याख्यान आपके लिए सारगर्भित होगा लाभान्वित होगा मैं अपने इस लेक्चर व्याख्यान को ही विराम देता हूँ थैंक यू धन्यवाद